वैसे तो हमारे देश में बाल श्रम अपराध माना गया है और बच्चों से मजदूरी कराने वालों को सख्त सजा का प्रावधान भी है, लेकिन इससे इतर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जो हमारी सरकारों के साथ ही संवेदनशील व सभ्य समाज का दम्भ भरने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित हो रहा है। जी हाँ, हरियाणा के यमुनानगर में बेगमपुर गांव के पास से HYC नहर से निकलने वाली टू हिल माइनर में इन दिनों मनरेगा के तहत सफाई का काम चल रहा है। मनरेगा ने इस काम की देखरेख सिंचाई विभाग के जिम्मे छोड़ी हुई है। सिंचाई विभाग के ताजे वाला ब्लॉक के तहत ये काम चला हुआ है। करीब 15 दिन से यहाँ 10-12 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि मनरेगा के इस लेबर में 4 नाबालिग भी काम कर रही हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनकी मजदूरी कितनी है और न ही उन्हें ये पता कि मनरेगा के लिए जॉब कार्ड भी बनता है। जब मौके पर हमारी टीम पहुंची तो वहां किजरी गांव निवासी अली फरोज नामक शख्स मिला, जिसकी देखरेख में मजदूर काम कर रहे थे। जब बच्चों से कैमरे पर उनकी उम्र पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वो 16 से 17 साल के हैं और कोई नाबालिग अपनी मजदूरी 400 रुपए तो कोई 300 रुपए बता रहा था। क्या काम कर रहे हैं? क्या रुपए दिहाड़ी दे रहे? जॉब कार्ड बन रहा है। वहीं जब सिंचाई विभाग के SDO धर्मपाल से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो वो भी आनाकानी करते नजर आए, जिसके बाद मनरेगा विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई। मनरेगा अधिकारी का कहना है कि हालांकि ये काम सिंचाई विभाग की देखरेख में हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि वहां नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं तो इसके बारे में जरूर जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी सर, WIC से जो है डिश ब्रेन निकलती है, उस पे जो है मनरेगा के तहत काम चल रहा है, तो उसमें बच्चे काम कर रहे हैं, सर उसके बारे में। आपके चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो बच्चे पेरेंट्स के साथ आए हों या किस वजह से आए हैं, ये आपके द्वारा जो बताया गया ये बड़ा गंभीर मामला है और इसकी हम जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ करेंगे। सर, किसके अंडर में काम हो रहा है वहाँ पे मनरेगा के? ये इरीगेशन डिपार्टमेंट में जो काम है, ये कन्वर्जेंस में इरीगेशन डिपार्टमेंट ने हमारे से कुछ ड्रेन्स और नालों की सफाई के काम लिए हुए हैं, सेंक्शन ली हुई है, उसके तहत ये काम चल रहे हैं। सर, ये ठेके पे होता है या फिर मजदूरी होती है? मजदूरी, ये मनरेगा के जो मजदूर होते हैं उसमें उसके द्वारा ही ये काम किया जाता है। कितनी मजदूरी है? ये 315 रुपये क्या की मजदूरी जो है ना, एक मजदूर को दी जाती है और साल में 100 दिन का लगभग काम दिया जाता है। सर, इसमें कुछ ऐसा भी सामने आया कि उनको 200-250 रुपये देकर ही बच्चों से? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मजदूरी है उनके खाते में जाती है, कैश पेमेंट नहीं होती, खाते में जाती है, मस्टोल बनता है, खाते में ही पेमेंट जाती है, कम मजदूरी जाने का प्रश्न ही सवाल नहीं पैदा नहीं होता। वहीं इस मामले के बारे में जब जिला उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाल ही में सोमवार को उन्होंने यहां कार्यभार संभाला है और वो जिले में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे, यदि वहां ऐसी लापरवाही हुई है तो संबंधित अधिकारी और लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। होटल में, ढाबे में, घर पे भी 14 साल से नीचे कोई भी बच्चे से काम किया जाता है लेबर के रूप में, तो वो इलीगल है। तो उस पर हमारे पास कोई नोटिस में आएगा, सबूत भी देंगे तो सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे भी आज का जो दिन है, जो एंटी चाइल्ड लेबर डे है, तो इस दिन तो वैसे ही हमें जागरूकता चलानी है। फिलहाल देखना होगा कि बच्चों से काम करवाने वाले इन लोगों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाएगा। सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि यमुनानगर जिले की कई फैक्ट्रियों में भी बाल मजदूरी का काम किया जा रहा है। हाल ही में यहां नए जिला उपायुक्त ने कार्यभार संभाला है, देखना होगा कि उनकी अगुवाई में जिले में किस तरह से काम होंगे। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।